प्रभास की फिल्म कल्कि की फर्स्ट ग्लिम्स रिलीज होने के बाद से ही इसे हॉलीवुड फिल्म्स की कॉपी कहा जाने लगा, जिस पर कभी फैंस ने बड़ी अजीब अजीब सी रीजंस दी कि ऐसा नहीं है, तो कभी कल्कि के मेकर्स ने वीडियो रिलीज करके ये साबित करने की कोशिश की कि किस तरह सब कुछ स्क्रैच से शुरू करके ओरिजिनल फिल्म बनाई जा रही है। लेकिन अब हॉलीवुड ने खुद मैदान में आकर ये कह दिया है कि किस तरह कल्कि के मेकर्स ने हमारी चीजें बगैर पूछे और इजाजत लिए अपनी फिल्म में डाल ली हैं। सच में काफी अच्छा लग रहा था जब व्हील बनाने वाली वीडियो रिलीज की गई कि किस तरह एक छोटी से छोटी चीज भी कॉपी करने की बजाय ओरिजिनलिटी लाई जा रही है। इसी तरह वो गाड़ी इंट्रोड्यूस करने के लिए भी पूरा इवेंट ही रख दिया गया, ये साबित करने के लिए कि हम कॉपी पेस्ट नहीं है, सिर्फ अपनी फिल्म के लिए ही पूरी गाड़ी ही बना डाली। और इसी तरह फिल्म के डायरेक्टर भी कहते रहे कि हॉलीवुड सुपर हीरो फिल्म कॉपी करने की बजाय हमने ये प्योर इंडियन फिल्म बनाई है, जहां हिंदू रिलीजन और मिथोलॉजी फिल्म का सब्जेक्ट है। लेकिन टीजर और अब ट्रेलर देखने के बाद क्लियर हो गया है कि बहुत कुछ हॉलीवुड से ही उठाया गया है। फिल्म का थीम और कलर पैलेट देखा जाए तो वो मशहूर हॉलीवुड फिल्म ड्यून जैसा है, जिसको डिफेंड करते हुए रिडिकुलस दलील दी गई कि भाई कल्कि का ड्यून से कंपेयर किया जाना भी एक तरह से हमारी कामयाबी ही है कि देखें ड्यून से आधे बजट में ही हमने वैसी चीज ही तैयार कर ली, जबकि तैयार इस तरह की गई कि हॉलीवुड की ही VFX कंपनी को ढेर सारे पैसे देकर कहा गया कि भाई ड्यून जैसी ही हमारी फिल्म भी बना डालो, जिसके लिए VFX कंपनी को भी ज्यादा क्रिएटिव होने की बजाय सिर्फ कॉपी पेस्ट ही करना पड़ा। लेकिन इस पर शर्मिंदा होने की बजाय इसे कल्कि की कामयाबी कहा जा रहा है। हाँ, ये बात जरूर है कि ड्यून के कंपैरिजन में कल्कि का बजट बहुत कम है, जिस पर दाद बनती है कि कल्कि के मेकर्स हॉलीवुड फिल्म्स की कॉपी सस्ते में बनाने के माहिर हैं, जबकि क्वालिटी और फिनिशिंग में कल्कि ड्यून से बहुत पीछे है। लेकिन अगर व्हील की तरह ही स्क्रैच से थीम और कलर पैलेट भी डिजाइन किया जाता तो वाकई ये अचीवमेंट होती, मगर यहाँ तो पोस्टर भी ड्यून जैसे बनाए गए और जो यूनिट्स वाली करेंसी कल्कि में दिखाई गई वो भी हॉलीवुड फिल्म गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में पहले ही इस्तेमाल की जा चुकी है। और अब मार्वल स्टूडियो, डिज्नी और वार्नर ब्रदर्स के साथ काम करने वाले हॉलीवुड आर्टिस्ट ने कल्कि पर चीट करने का इल्जाम लगा दिया है। 10 साल पहले उनका बनाया हुआ डिजाइन कल्कि में डाल दिया गया और वो भी ट्रेलर के फर्स्ट सीन्स में, जिसके लिए ना उन्हें बताया गया और ना ही कोई इजाजत ली गई। इसीलिए उन्होंने सोशल मीडिया पर कल्कि के मेकर्स को टैग करते हुए कहा कि ये बहुत ही बुरी प्रैक्टिस है, और साथ प्रूफ के तौर पर अपना 10 साल पुराना पोस्ट किया गया डिजाइन भी दिखा दिया, जिसे कल्कि में इस्तेमाल किया जा रहा है। अब इससे ये तो क्लियर हो गया कि जो स्क्रैच से ओरिजिनल फिल्म बनाने की बातें बार बार की जा रही थी वो बिल्कुल सही नहीं। कुछ चीजें जरूर ओरिजिनल बनाई गई, लेकिन बहुत कुछ हॉलीवुड से ही उठाकर एक हिंदू मिथोलॉजिकल सुपर हीरो फिल्म बना दी गई।